हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के 10 बज रहे हैं और आज सबसे पहले काम करने वाले हैं हम अपनी गाड़ी में टायर डलवाने का, क्योंकि भाई कहीं भी जाना पड़ सकता है और टायर हमारा बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है अभी थोड़े से भी लंबे सफ़र के लिए। सो पहले चलते हैं एक बार मायापुरी, क्योंकि हम लाजपत नगर गए थे, वहाँ टायर मिल भी गया था लेकिन एक दिक्कत हो गई थी। आपको दिक्कत दिखा देता हूँ क्या दिक्कत है। सो ये टायर था, टायर हमने ले लिया था, फिक्स भी करवा लिया था, सब काम ओके की रिपोर्ट हो गई थी, पेमेंट भी डन हो गई थी, लेकिन जो टायर था उसका साइज़ जो मैंने मांगा था वो साइज़ नहीं आया था। जो लगा हुआ है टायर अभी, ये इस टायर की जो ऊँचाई थी वो ज़्यादा थी, 5 नंबर, तो मैंने मना कर दिया। तो थोड़ा सा वहाँ झगड़ा वगड़ा हुआ मेरा और इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था वहाँ पर और मैं आ गया। सो अभी जाएंगे मार्केट में टायर लेने। वो अभी टायर मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा, फिलहाल जा रहे हैं अभी हम मायापुरी, वहाँ सेकेंड हैंड टायर मिल जाएगा। सो गाइस, पूरी टायर मार्केट है मायापुरी में, लेकिन जो अपना टायर है साइज़ वो ही नहीं मिल रहा अभी यहाँ, और जो मिल भी रहे हैं तो पूरे 4 के सेट हैं, सिंगल पीस नहीं मिल रहा। वैसे सेम ही अपने पैटर्न का टायर मिला है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही पंचर वगैरह लगे हुए हैं पहले से ही, और इधर ही पंचर है। सो थोड़ा सा ओल्ड भी लग रहा है ज़्यादा, इसलिए इसको और हमें दिखवाया कि और कोई पीस मिल जाए तो वो चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा भटकने के बाद अभी आए हैं मायापुरी में ही, और शादा भाई के पास हमें टायर मिल गया है। ये भाई ने हमें टायर बताया है जो है सनी कंपनी का, और ज़्यादा चला हुआ टायर नहीं है, तो फिलहाल इसको एक बार देख रहे हैं। और जो साइज़ है वो बिल्कुल सेम है जो हमें चाहिए था, हमारे गाड़ी के टायर का साइज़ है। मेरा काम तो हो गया है, मैंने टायर डलवा लिया है। सो मैंने कहता ऐसे बहुत बहुत थैंक यू भाई, आपसे जल्दी मिलते हैं, ठीक है। सो गाइस, टायर डल गया अपना और ऑलमोस्ट सेम सा ही है, फिलहाल चल रहे हैं घर। बस कल लाइट लगानी पड़ी थी इसलिए आज लाइट लगा रहे हैं, मैंने लाइट का डब्बा निकाल लिया इसमें से। ये हमारी नई लाइट है, ये पुरानी मैं रोल ले आया था लास्ट ईयर दिवाली से, लास्ट ईयर का है ये, मतलब एक साल पहले मैं लेकर आया था। तो अब इसको मैंने नाप लिया है, इसको काट के और कंप्यूटर के आसपास लगाए थे। और अंशुपन अब यहाँ कुछ डेकोरेशन करने के कह रहे हैं, तो यहाँ भी एक बार अच्छे से बादल वादल बनाएंगे, वो आप देखना, बाकी बताना फिर कैसा लगने वाला है। मैं तो मेरे लाइट लगाया था, बाकी उनके पास छोड़ते हैं काम। सो गाइस, पीसी के पास तो हमने लाइट लगा दी है जो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। अभी बस दो ही कलर चल रहे हैं, रिमोट मेरे पास है नहीं, रिमोट से चेंज कर सकते हैं इसके ऑप्शन को हम। सो एक बार लाइट बंद करके देखते हैं कि कैसी जलने वाली है ये। सो कुछ ऐसा नज़ारा आता है लाइट बंद करने के बाद, जब पीसी ऑन हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। कैसी लग रही है नहीं ये? अच्छी, पर बाहर तक लाइट ले जाओ। बाहर तक ले जाएं? बाहर का थोड़ा ले जाएंगे। लाइट जली थी एक बार लेकिन फिर से ख़राब हो गई, अभी गुड्डू ठीक कर रहा है, कुछ इसका फूक गया पता नहीं क्या, वो ठीक हो रहा है। और इधर ये अपने रुई लगा दिए कॉटन से, पूरा एक मतलब बादल वाला डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं अभी, पाना पूरा फेविकोल को लगा के इसको सेट कर रहा है। LED हमने छोटी सी जो आती है ये लाइट जो है स्ट्रिप लाइट, ये हमने यहाँ फिट कर दी है, यहाँ इसका कनेक्शन है, तो भी लगा के दिखाते हैं जलाने के बाद कि कैसे जलने वाली है, बहुत प्यारा लुक आएगा। फाइनली 1.5 घंटे की मेहनत के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है इसका। अभी लाइट जला दी हमने, वहाँ पे लग गई RGB, और एक बार पहले लाइट बंद करियो। सो गाइस, ऐसा कुछ लग रहा है अभी, बिल्कुल बादल वाला फील आ रहा है, जैसे बिल्कुल आसमान में नीले बादल होते ना, मतलब हाँ सही बात है, वीडियो इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रही जो ये रियल लुक लग रहा है, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही ब्लू दिखा रही है, अलग सा रंग दिखा रही है और असल में अलग कलर है। तो देखो कितना प्यारा लग रहा सेटअप हमारा। अब लेते हैं रिएक्शंस फैमिली वालों के। हो तेरी, वाओ कैसा लगा, ये तो बहुत प्यारा बन गया, मगर कैसा लगा, वाओ ये तो मस्त लग रहा है। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. ये तो बादल बन गए। सो गाइस, गजब का लुक आ रहा है मेरे पीछे बादलों वाला, बहुत प्यारा लग रहा है। फिलहाल तो पूरा कमरा भाई फैल गया है, हर जगह सामान सामान पड़ा हुआ है, और टाइम हो गया रात के 9, फिलहाल खा जाते हैं भाई खाना, उसके बाद आएंगे और ब्लॉग को करेंगे एडिट, और फिर ढंग से एक बार पूरा रूम दिखाता हूँ आपको, ठीक है, मिलते नहीं। आज बहुत दिनों बनी है भाई खाने में हमारे, दाल रोटी तो हमारे रोज होती है, साथ में सैलेड है, और दाल में भाई देखो घी बहुत सारा, हेल्दी फूड। आज कमरा इतना चमक रहा है ना कि ट्यूबलाइट बंद करने के बाद भी मतलब मस्त कलर आ रहे हैं पीछे, इतना बैकग्राउंड प्यारा लग रहा है ना, मजा आ रहा है देख के। और ऊपर तो यार ये गजब है, बस एक ही दिक्कत है कि कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा इस मतलब कारीगरी को, ठीक है। वैसे देख रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि बादलों के बीच में सूरज निकल रहा है, उसकी रोशनी आ रही है, लेकिन अभी आपको ना लाइनिंग दिख रही होगी लाइट LED की।
इसको प्रॉपर देखने के लिए आपको घर आना पड़ेगा कि कैसा लग रहा है। ये कैमरा ढंग से नहीं बता पा रहा, लेकिन बहुत प्यारा है भाई, मज़ा आ रहा है। कमरे का लुक चेंज हो गया, मेरा जो वर्कस्टेशन है ये बहुत प्यारा लग रहा है। फिलहाल तो आज का ब्लॉग है छोटा सा, ये आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये क्रिएटिविटी कैसे करनी है आपको बता देता हूँ। कुछ नहीं, 200-300 रुपये की LED स्ट्रिप्स आती हैं, वो लगानी है, रुई है, और आपको चाहिए फेविकोल और एक वायर से कनेक्शन चाहिए। बस इसको फेविकोल को लगा देना, ऊपर से रुई चिपका देना सारी, जैसा हमने देख लिया वीडियो में, और उसके बाद जब जलाएंगे तो आपको कुछ ऐसा वाला लुक आएगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। World seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me.